हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बीटीसी चार्ट अपडेट। यहाँ पे हम अपडेट देने वाले हैं आपको बिटकॉइन के चार्ट का एंड एक्सप्लेन करेंगे कि हम किन किन ऑल्ट्स में इस टाइम नज़र रख रहे हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। मार्केट इस टाइम बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको बताऊँ कि कहाँ कहाँ आपको नज़र रखनी है, किन किन पॉइंट्स में आपको नज़र रखनी है। एंड अभी जो लो वॉलीटिलिटी, लो वॉल्यूम जो ट्रेडिंग जोन होता है, मतलब लो वॉल्यूम में जब भी कोई भी मार्केट आता है एंड वो साइडवेज ट्रेड करता है, जैसे कि अभी हमारा मार्केट कर रहा है, साइडवेज ट्रेड हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखें। एंड वॉल्यूम हम देख रहे हैं तो डेली वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम ज़्यादा नहीं आ रहा है मार्केट में, तो ये एक इंडिकेशन होता है एक बहुत बड़े मूव का। तो या तो ये बहुत बड़ा मूव ऊपर जाएगा या तो ये बहुत बड़ा मूव नीचे जाएगा, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नीचे जाने के ही है। एंड आई एम शॉर्ट ऑन बीटीसी, ठीक है। बीटीसी हमने सुबह के पंप के बाद ही शॉर्ट कर दिया था क्योंकि वॉल्यूम नहीं थी एंड स्टोकेस्टिक आरएसआई वाज पॉइंटिंग कि अब नीचे जाएगा। प्लस यहाँ पे एक ट्रेंड है जो ब्रेक करके ये ऊपर गया था एंड वो वापस उसको एंटर कर गया है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, चार्ट में आपको एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो यार सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने से बीटीसी ऊपर जाता है। कल लोगों ने लाइक किया था, बीटीसी ऊपर गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बिटकॉइन का चार्ट मैंने यहाँ पे खोल दिया है, तो खोलते हैं बिटकॉइन का चार्ट एंड मैंने इसको अपडेट कर दिया है। मैंने बोला था थोड़ा टाइम दो मुझे, मार्केट इज़ वेरी वेरी शेकी राइट नाउ, तो वीकेंड पे हमें कुछ खास अपडेट नहीं मिला ऐसा कि हम प्रेडिक्ट कर पाएँ, बट राइट नाउ पिक्चर थोड़ी क्लियर हो रही है। तो आप देख सकते हो ये एक ट्रायंगल जोन हमने बनाया है, तो इसके अंदर बिटकॉइन वापस आ गया है। बड़ी मुश्किल से इसने इसे क्रॉस किया था लेकिन वॉल्यूम नहीं थी इतनी, तो ये वापस नीचे आ गया है। एंड एक और हमें एक चीज़ नज़र में रखनी है, वो है 50 EMA। तो 50 वीक का जो EMA है वो हमें नज़र में रखना है। तो ये ग्रीन वाली जो लाइन है वो दिख रही है आपको, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होता है क्योंकि हिस्टोरिकली इस लाइन से नीचे कभी बिटकॉइन आया नहीं था किसी भी बेयर क्रैश में, लेकिन अब वो यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शेकी हो जाता है जब भी इसको भी ब्रेक करता है, तो अभी भी नीचे आ रहा है, कॉन्सिस्टेंटली नीचे आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट नीचे आने के बाद हम देखेंगे कि ये इस जोन में वापस आ जाएगा। अभी हम देखते हैं कि कैंडल कहाँ क्लोज होती है, कैंडल क्लोज होने से पहले हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको 1 आवर के चार्ट में डालें तो 1 आवर के चार्ट में ये ऑलरेडी कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई है। बस 4 आवर के चार्ट में हमें कंफर्मेशन के लिए इसको क्लोज करवाना है एंड उसके बाद हम वापस इस ट्रेंड में आ जाएंगे, तो थोड़ा ईजी हो जाएगा प्रेडिक्ट कर पाना। अगर आपको ये चार्ट में एक्सेस चाहिए तो नीचे हमारा न्यूज़ लेटर का लिंक होगा, वो आप क्लिक कर दें एंड वहाँ पर आपको BTC का चार्ट पोस्टेड मिल जाएगा। प्लस और भी चार्ट्स मैं जल्दी जल्दी वहाँ पोस्ट करूँगा, धीरे धीरे मुझे मतलब चार्ट पूरा बिल्ड करना पड़ता है। BTC का हमारा बहुत अच्छे से ट्रैक था इसीलिए मैंने उसको तुरंत ही शेयर कर दिया। तो यहाँ पे अब यहाँ पे इसके कैच होने का कहाँ पे चांस है, तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कैंडल्स हैं जो यहाँ पे पैरेलली हैं, तो ये एक अच्छा सा हमारे पास सपोर्ट बन सकता है। तो यहाँ पे रुकने की इसकी थोड़े चांसेस हैं, उसके बाद क्या होता है मार्केट में वॉल्यूम कैसे आती है उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन ओवरऑल हम देख रहे हैं कि जो मार्केट है वो काफ़ी टाइम से साइडवेज मूव कर रहा है। हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे साइडवेज मूव हो रहे हैं, ऐसा कोई बड़ा सा मूव नहीं हो रहा है। तो साइडवेज मूव वन आप देख रहे हो कि वॉल्यूम कितनी लो है, हाईली लो वॉल्यूम है ये एंड बहुत ज़्यादा साइडवेज मूव है। तो कंपेयर कर सकते हो वॉल्यूम को, आप देखोगे तो यहाँ पे कितनी कम वॉल्यूम है एंड यहाँ पे कितनी ज़्यादा वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम कम हो एंड साइडवेज मूव होते हैं तो इसका मतलब मार्केट इज़ गेटिंग रेडी टू बी मेकिंग अ वेरी बिग मूव, तो एक बड़ा मूव होने वाला है एंड वो डिपेंड करेगा कि ये वाली जो ट्रेंड ट्रायंगल है ये कहाँ ब्रेक होता है, तो उस पर आपको नज़र रखनी है। यहाँ पे मैं नहीं बता सकता कि ऊपर ब्रेक होगा या नीचे ब्रेक होगा, TA में इतनी पावर नहीं है, बट ये जो ब्रेक होगा उस पर बहुत ज़्यादा हाईली डिपेंडेंट होगा एंड आई थिंक ये यहाँ कहीं पे आके ब्रेक होगा क्योंकि यहाँ पे इसने ब्रेक करके एक फेक ब्रेकआउट दिया था एंड उसके बाद फेक आउट के बाद हम आ गए हैं वापस इस ट्रायंगल में। तो लेट्स सी 4 आवर की कैंडल यहाँ कन्फर्म होती है या नहीं होती है। इसके बाद हम चलते हैं ऑल्ट्स की साइड, तो इथीरियम का हम आ गए हैं, इथीरियम इज़ गोइंग बैक टू अवर बाइंग जोन। तो यहाँ पे हमने बाइंग थोड़ा इंक्रीज कर दिया है, 2100 से नीचे यहाँ पे अब हम इसको उठाने वाले हैं एंड यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो कि अच्छा खासा एक साइडवेज मूवमेंट बना है, तो एक सपोर्ट जोन बन गया है एंड यहाँ से इथीरियम ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा उस पर हाईली डिपेंडेंट है कि क्या होता है। तो ग्रेव बाइंग जोन एंड बाइंग जोन हमारे दोनों के दोनों रेडी हैं एंड यहाँ से अगर इथीरियम नीचे जाता है, इस जोन से नीचे जाता है, तो आप शॉर्ट कर सकते हो, अगेन फ्यूचर्स ट्रेडिंग अपने हाथ में। इसके बाद है सोलाना जो कि $30 के जोन में आ रहा है एंड फाइनली ये आ रहा है हमारे बाइंग जोन में, धीरे धीरे आ जाएगा।
सोलाना ने बहुत ज़्यादा सस्टेन करने की कोशिश करी अपने आप को $30 से ऊपर, एंड इसकी जो जितनी वॉल्यूम थी, जितनी जो उसकी पॉजिटिव वॉल्यूम थी, वो रन आउट करने लग गई है। एंड अब ये बाइंग जोन में आएगा, एंड प्लीज़ बाय इट, सोलाना का बहुत अच्छा फ्यूचर है एंड यू शुड जस्ट ग्रैब इट। इसके बाद आते हैं हम KSM में। KSM ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं कर पा रहा है, एंड वहाँ से आप देख रहे हो बार बार ये टच होके नीचे आ रहा है। तो मैं जो थंब रूल फॉलो कर रहा हूँ कि जैसे ही ये टच कर रहा है इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है। देखो वॉल्यूम अब बिल्कुल लो है, तो ये ट्रेंड लाइन जैसी स्ट्रांग चीज़ों को नहीं ब्रेक कर पाता है। सब रेजिस्टेंस ब्रेक करना मुश्किल है अगर तुम्हारे पास वॉल्यूम नहीं होती है। तो कितना सिंपल यहाँ पे प्रॉफिट देख रहे हो आप बन पाएगा अगर आप इसको 5x लेवरेज के साथ शॉर्ट करते हो, तो देख रहे हो 10% ऐसे ही आ जाता है। तो ये सब चार्ट पे डिपेंड करेगा। अगेन फ्यूचर्स ट्रेडिंग हाईली रिस्की होती है, प्लीज़ रिसर्च करके ही इस पर ट्रेड करें। अगर आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग का ट्यूटोरियल चाहिए तो बता दें, मैं आपको दे दूंगा। मैं जहाँ जिस प्लेटफॉर्म को मैं यूज़ करता हूँ उसका मैं आपके लिए ट्यूटोरियल बना दूंगा, लेकिन बहुत हाई रिस्की होता है इसलिए मैं उसको अवॉइड करता हूँ, फ्यूचर्स कॉल जनरली नहीं देता हूँ। इसके बाद हम आते हैं ADA पे, एंड ADA इज़ ऑल्सो गोइंग डाउन। अभी सारे के सारे बेसिकली जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं वो नीचे ही जा रहे हैं। तो चलते हैं हम लाइट कॉइन की साइड। तो लाइट कॉइन ने देखा कि हमारा जो ट्रेंड था वो लाइट कॉइन ने ब्रेक किया, एंड यहाँ से सुपर ग्रीन ये हो गया है। बट यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे और उससे एक चीज़ अलग है, यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है। तो लाइट कॉइन के अच्छे खासे चांसेस है कि यहाँ से ये ऊपर जंप ले सकता है। तो अगर आप चाहें तो लाइट कॉइन पे एक स्पॉट कॉल ले सकते हैं। आई थिंक $128 पे आप इसका यहाँ पे ये वाले एरिया पे, मतलब इस वाले जोन से नीचे जो है $128 पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, एंड टारगेट आई थिंक 140 से थोड़ा ऊपर हम ले लेंगे, एंड वहाँ तक मतलब छोटा सा ही प्रॉफिट होगा अगर होगा तो। एंड ये हाईली डिपेंड करता है कि बिटकॉइन कैसे बिहेव करता है। आई डोंट नो मेरी स्क्रीन को क्या हो रहा है, बट लेट्स कंटिन्यू। इसके बाद हम बात करते हैं डैश की। तो डैश ने भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन हमारी एक ब्रेक करी है, एंड डैश ने जो मूवमेंट दिखाई है उसके हिसाब से हम इसके फॉलोइंग टारगेट्स रख रहे हैं। तो यहाँ पे $129 पे आपको स्टॉप लॉस रखना है, एंड अपनी एंट्री के हिसाब से आप देख लो आपको कहाँ टारगेट लेना है। 136, 148, 160 तक का हम इसका टारगेट लेके चल रहे हैं, एंड वहाँ से आप देखो कि कैसा मूवमेंट यहाँ पे शो करता है। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिला होगा, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर दो, लाइक करने से बिटकॉइन पंप करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरी वन। यू कैन चेक आउट अवर अदर वीडियोज़, आई विल लिंक देम हियर।